फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ प्रोटीन से भरपूर, बहुत ही हेल्दी और टेस्टी, झटपट बन जाने वाला हरी मूंग के दाल के पराठे की रेसिपी। इसे बनाना बहुत ही आसान है। आप इसे बच्चों के टिफिन में या ब्रेकफास्ट में या डिनर में आप इसे फटाफट जो है बना सकते हैं, और बच्चों को यह नाश्ता बहुत ही पसंद आता है। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं कि इसे हमें कैसे बनाना है। तो इस पराठे को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे जो है आधी कटोरी हरी मूंग की दाल ली है, और दाल को जो है मैंने 6 से 7 घंटे जो है पानी में भिगा करके रख दिया था। देखिए, फूलने के बाद जो है ये 1 कप से 1.25 कप जो है दाल हो गई है, और दाल को मैंने 2-3 बार पानी से धुल करके साफ कर लिया है, और इसका सारा पानी जो है मैंने निकाल दिया है। तो अब हम यहाँ पर हम एक ग्राइंडिंग जार लेंगे और इसमें जो है हम अदरक डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पे 1 इंच अदरक को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। यहाँ पर मैंने 6 से 7 करी लहसुन की ली है। यहाँ पर मैंने 1 हरी मिर्ची ली है, इसको भी हम डाल देंगे। अब मैंने यहाँ पर जो है 1 मीडियम साइज की प्याज को ऐसे मोटे मोटे टुकड़ों में हम काट लिया है, इसको भी हम डाल देंगे। और अब हम इसमें जो है हम दाल को हम डाल देंगे। तो आप ध्यान रखिएगा कि दाल में जो है पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो जब आप इसको पीसेंगे ना तो दाल जो है एकदम गीली हो जाएगी। और अब हम इसका हम ढक्कन लगा देंगे और बिना पानी के इसे हम पल्स मोड पे जो है हम मिक्सी को हम रोक रोक कर 1-2 बार इसे हम पीस लेंगे। तो इसको जो है हमें दरदरा ही पीसना है। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर इसको पीस लिया है। तो ये देखिए, इसको जो है हमें इतना दरदरा पीसना है। तो इसको हम एक बाउल में हम निकाल लेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक बड़ा सा बाउल लिया है, इसमें हम सारे मिश्रण को हम निकाल लेंगे। और अब हम इसमें जो है हम कुछ मसाले डालेंगे। तो इसमें हम 1/4 चम्मच जो है हल्दी पाउडर हम डाल देंगे। इसमें हम 1/2 छोटी चम्मच जो है हम जीरा हम डाल देंगे। और अब हम इसमें 1/4 चम्मच काली मिर्च का हम पाउडर डाल देंगे। इसमें हम 1/2 चम्मच जो है हम आमचूर का पाउडर हम डाल देंगे। आप चाहे तो इसमें 1/2 चम्मच जो है चाट मसाला भी आप डाल सकते हैं, या फिर आप इसमें जो है 1 नींबू का रस भी आप डाल सकते हैं। और अब हम इसमें जो है हम 1/2 चम्मच हम कसूरी मेथी हम डाल देंगे। और अब हम इसमें जो है हम बारीक कटी हुई हरी धनिया हम थोड़ा सा हम डाल देंगे। पराठे को जो है थोड़ा सा क्रिस्पी बनाने के लिए इसमें हम 2 बड़े चम्मच जो है हम बेसन डाल देंगे। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसे स्किप कर सकते हैं। और अब हम इसमें जो है हम स्वाद के अनुसार इसमें हम नमक हम डाल देंगे। और अब हम इसमें जो है हम गेहूं का आटा डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पे जो है 1 कटोरी गेहूं का आटा लिया है, 1/2 कटोरी हम गेहूं का आटा डाल देंगे और इसे हम मिला लेंगे। तो ज़रूरत के हिसाब से जो है इसमें हम आटा डालेंगे। और अब हम इसमें जो है हम बचे हुए आटे को भी हम डाल देंगे। तो मैंने इसमें जो है टोटल 1 कटोरी गेहूं का आटा जो है डाल दिया है। इसको हम अच्छे से हम मिला लेंगे और इसका जो है हम आटे की तरह हम डो लगा करके हम तैयार कर लेंगे। अगर आपको जो है आवश्यकता पड़ती है तो आप इसमें जो है थोड़ा सा गेहूं का आटा जो है आप और डाल सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे इसको अच्छे से गूंथ लिया है। तो ये देखिए, एकदम सॉफ्ट आटा हमारा लग करके तैयार हुआ है। तब हम इसमें जो है 1 छोटी चम्मच हम रिफाइंड ऑयल डाल देंगे और डो को जो है हम चिकना कर लेंगे ताकि ये हाथों में जो है चिपके नहीं। ये देखिए, हमारा आटा जो है एकदम सॉफ्ट लग करके तैयार हुआ है। तो अब हम हाथों को जो है हम साफ कर लेंगे। और अब हम जो है हाथों में हम थोड़ा सा हम सूखा आटा लगा लेंगे और इसकी हम मीडियम साइज की हम लोई तोड़ लेंगे। जिस तरह से हम रोटी बनाते हैं उससे थोड़ा सा जो है हमें इसकी बड़ी लोई लेनी है, और इसको हम लोई को जो है हम रोल कर लेंगे। तब हम यहाँ पर हम चकला लेंगे और लोई को हम अच्छे से हम रोल कर लेंगे और इसमें हम सूखा आटा लगा करके इसको हम बेल लेंगे। तो इसको हमें जो है ज़्यादा पतला नहीं रखना है, रोटी से इसे हमें थोड़ा सा जो है मोटा ही रखना है। मैं भी आपको जो है दिखा देती हूँ कि इसे हमें जो है कितना मोटा रखना है। तो ये देखिए, इसको जो है हमें इतना मोटा ही रखना है। और इसके किनारों को जो है हम हाथों से जो इस तरह से हम सेट कर लेंगे, गोल शेप में इसे हम कर लेंगे, क्योंकि ये दाल का पराठा है ना, तो इसके किनारे जो है वो फटे हुए हैं। आप चाहे तो इसे किसी धारदार प्लेट से भी जो है आप इसे गोल शेप में आप काट सकते हैं। इसको हम प्लेट में हम रख देंगे और इसी तरह से हम जो है दूसरा पराठा भी हम बना करके हम तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर दूसरा पराठा भी जो है बना करके तैयार कर लिया है। तो इसको हम प्लेट में हम रख देंगे। तो चलिए गैस की तरफ हम चलते हैं। तो मैंने यहाँ पर जो है गैस पे तवा गर्म होने के लिए रख दिया है और इसमें 1/2 छोटी चम्मच जो है हम तवे पे हम तेल डाल देंगे। तेल को हम अच्छे से हम फैला लेंगे और हल्के गर्म तवे पर जो है हम पराठे को हम डाल देंगे और गैस की फ्लेम को हम मीडियम टू लो रखेंगे। और मीडियम टू लो फ्लेम पर जो है हम पराठे को उलट पलट करके हम बढ़िया से क्रिस्प होने तक इसे हम सेक लेंगे। ये देखिए, नीचे से ये हल्का सा सिक गया है। तो इसको हम पलट देंगे और इसके ऊपर जो है हम तेल हम लगा देंगे। आप चाहे तो इसे बिना तेल के भी आप बना सकते हैं। अगर आप हेल्दी डाइट ले रहे हैं तो बिना तेल के भी ये पराठा जो है बहुत ही टेस्टी लगता है, या फिर आप इसमें जो है बटर भी आप लगा सकते हैं। आपको जैसा पसंद हो आप उस तरह से इस पराठे को जो है बनाकर आप इंजॉय कर सकते हैं। तो ये देखिए, दूसरी साइड से भी जो है ये सिक गया है। तो इसको हम पलट देंगे और दूसरी साइड भी जो है हम तेल हम लगा देंगे। तो मैं यहाँ पे जो है रिफाइंड ऑयल लगा रही हूँ। आप घी, बटर कुछ भी आप लगा सकते हैं, आपको जो भी पसंद हो। और इसको जो है उलट पलट के जो है हम क्रिस्प होने तक इसे हम अच्छे से हम सेक लेंगे।
पराठे को जो है इस तरह से हम स्पैचुला से हम दबाते हुए इसे हम सेक लेंगे। तो फ्रेंड्स मैं आपको याद दिला दूं, अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपको मिले। तो ये देखिए पराठा एकदम बढ़िया से सेक गया है, इसको हम प्लेट में हम निकाल लेंगे और इसी तरीके से जो है हम सारे पराठे को जो है हम सेक करके हम तैयार कर लेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको पराठे को जो है हाई फ्लेम पर इसे आपको नहीं सेकना है, हल्के गर्म तवे पे जो है लो मीडियम फ्लेम पर आपको जो है पराठे को उलट पलट के जो है बढ़िया से आपको इसे सेक लेना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे जो है सारे पराठे को बना करके तैयार कर लिया है। आप इसे धनिया की चटनी या दही या टोमेटो सॉस के साथ आप इसे इंजॉय कर सकते हैं। आप इसे सुबह के नाश्ते में या बच्चों के टिफिन में आप इसे बनाकर आप दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपको एक पराठा जो है तोड़ के दिखा देती हूँ। तो ये देखिए कितना खस्ता जो है पराठा हमारा बन करके तैयार हुआ है। तो आप एक बार जो है इस पराठे को जो है बना करके ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत ही पसंद आएगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको आज की ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।